जो लड़की शौहर के घर आने पे भी मोबाइल पे बैठी हुई है, मोबाइल लेके बैठी है, घर के अंदर जब दूसरे लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं तो उस वक्त भी वो मोबाइल पे मसरूफ है, तो वो कौन है जो उसको मोबाइल की मसरूफियत की इजाज़त देगा ख़ानदानी ज़िंदगी में? ख़ानदानी ज़िंदगी में तो ये सब चीज़ें रुकावट बन जाती हैं। तो यही यानी अगर आप आज के दौर में देखना चाहें कि तलाकों की रेशो में इस कदर इजाफा क्यों हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा हाथ इस तरह की एक्टिविटीज़ का भी है, क्योंकि माँ बाप ने अपने बच्चों को इस नौबत तक पहुँचा दिया और अब वो यानी किसी की बात बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। ऐसा गुस्सा है कि अभी किसी ने कोई बात नहीं की बल्कि महसूस किया है कि किसी की जानिब से कोई बात आ सकती है, तो पहले ही लड़की के एंटीने खड़े हो जाते हैं कि अभी कोई बात आएगी तो उसके यानी बात आने से पहले ही वो उसकी पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए, रद्देअमल का इजहार करने के लिए तैयार हो जाती है। तो वो माँ बाप भी नहीं है, बहन भाई भी नहीं है जो आपके आदी हो गए थे, अब तो आपने अपनी दुनिया खुद बनानी है। तो इस दुनिया में बनाने के लिए आपको जो रोल प्ले करना है उसमें मोबाइल काफ़ी हद तक रुकावट है, तो मोबाइल एक्टिविटीज़ ड्रॉप करनी चाहिए, कम कर देनी चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी कॉल के अलावा नहीं। मर्द बाहर की ज़िंदगी में जितनी तलखियाँ बर्दाश्त करता है, अब घर में उसकी बीवी है जो उसकी तलखियों को खुशियों में, सुकून में, मुसर्रत में बदल सकती है। तो मर्द के लिए औरत की हैसियत गोशे सुकून की है कि उसके पास आए, उसके पास आके अपना सुकून तलाश करें। और औरत को भी चाहिए कि वो कामयाब रफीक़ हयात साबित हो और मर्द के लिए घर के अंदर मसाइल खड़े ना करें, बल्कि मर्द के मंसूबे को पाए तकमील तक पहुँचाए। तो औरत का वजूद और घर का पूरा असासा औरत के पास गोया मर्द की अमानत है। तो मर्द बैरूनी मसरूफियात की वजह से उनकी हिफाजत नहीं कर सकता, रखवाली नहीं कर सकता। औरत की वफाशियारी का तकाजा है कि अपने वजूद की भी हिफाजत करे और उस शौहर के घर की भी अमीन बन जाए। वो अपनी ज़ात को भी सिर्फ शौहर के लिए महफूज रखे और घर के तमाम साजो सामान को भी। एक सोच का तरीका ये कि इंसान सिर्फ अपनी ज़ात को देखे, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी क्या ज़रूरियात हैं, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नापसंद है। सेल्फ सेंटर्ड लोग जैसे सोचते हैं, सेल्फिश लोग सोचते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि इंसान दूसरों की तरफ देखे कि उन्हें क्या पसंद है। दूसरों के साथ, दूसरों की तरफ देखने वाला सोशलाइज अच्छा करता है और निभा अच्छा कर सकता है। पहले तरीके में इंसान की निगाह अपनी जिम्मेदारियों पर होती है और दूसरे तरीके में इंसान की निगाह अपने हुकूक पर। एक तरीका इस्लाह का है, दूसरा तरीका फसाद का है। सिर्फ इंसान अपनी तरफ देखे, अपनी ज़रूरियात की तरफ, तो ये सेल्फिशनेस है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों की तरफ देखे तो ये इस्लाह का तरीका है। इंसान ये देखे कि अच्छा मेरे करने वाले काम कौन से। लेकिन अगर कोई इंसान यूँ देखता है कि दूसरे की तरफ देखता है कि इसको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो वो दूसरों की जिम्मेदारियाँ तो देखता है, अपने फ़राइज़ नहीं देखता। तो इस्लाह ऐसे नहीं हो सकती। इस्लाह ये है हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी की तरफ ज़्यादा देखे और दूसरों के लिए जो कुछ अल्लाह ने उस पर लाजिम करता है, कर दिया है, उसकी तरफ देखे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत अपने शौहर के घर की निगरान है और वो इसकी जवाबदेह है। और बुखारी में ये बाब कु अनफुसकुम व अहली कुम नारा के हवाले से ये हदीस आई है, यानी अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ, तो इसमें औरत का ये किरदार है। तो उमूर खानादारी की महारत औरत के लिए सबसे बड़ी एजुकेशन है, यानी घरेलू उमूर को चलाना, रिश्तों का ख्याल रखना, औलाद की तरबियत। और इसी तरह से अगर हम ये देखें कि कामिल औरत कौन सी है, तो कामिल औरत कोई डॉक्टर कामिल औरत नहीं हो सकती उस वक्त तक जब तक कि वो घरेलू उमूर में महारत पैदा ना कर ले। कोई इंजीनियर औरत कामिल औरत नहीं हो सकती अगर वो इंजीनियरिंग में, चाहे उसने गोल्ड मेडल लिया, चाहे वो उसमें बहुत उम्दा काम कर रही हो, लेकिन उस वक्त तक जब तक के घरेलू उमूर में वो अपनी पूरी सलाहियत ना लगा दे। जब वो औरत अपने शौहर को खुश कर देती है तो इसका मतलब यह है कि उसने अपना किरदार समझ लिया और उसको अच्छे तरीके से अदा कर लिया। और अगर वो ये काम नहीं करती तो अल्लाह के यहाँ मुजरिम है, अल्लाह के यहाँ मुजरिम है।
अल्लाह ताला की तरफ से इज्जत और कामयाबी की मुस्तहिक वही औरत है जो घरेलू निज़ाम को अच्छे तौर पर चला सकती है। जो औरत दुनिया में एक घर को आबाद करे वही जन्नत के घर को आबाद करने के लिए मौजू है, उसी का इंतखाब होगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आपसे पूछा गया औरतों में सबसे बेहतर औरत कौन है, आपने फरमाया जो अपने शौहर को खुश कर दे जबकि वो उसे देखे, और वह अपने शौहर की इताअत करे जबकि वो उसको हुक्म दे, और वह अपने नफ्स और उसके माल में शौहर के खिलाफ ना करे। तो जो औरत के ऊपर मर्द की जानिब से फराइज आयद होते हैं, यानी मर्द के जो हुकूक हैं, उन हुकूक को वो पूरा करे। इताअत गुजार बीवी अपने शौहर का दिल जीत कर अपने घर की मालिक बन जाती और घर में सबसे ऊंचा मकाम हासिल कर लेती। और जो बीवी इताअत गुजार नहीं होती वो गैर ज़रूरी तौर पर शौहर से लड़ती है और उसकी ज़िंदगी तल्ख होकर रह जाती है, वो कभी अपने घर में बुलंद मकाम हासिल नहीं कर सकती। एक बहुत बड़ी गलतफहमी आज के दौर में ये हो गई औरत को कमज़ोरी से उठाने के लिए कि इसको ताकतवर बना दें ताकि इसकी वजह से इसे यानी इस पर कोई इसको प्रेशराइज ना कर सके, ये कमाने के काबिल हो जाए। रियली पैसे की वजह से तो किसी को इज्जत नहीं मिलती। औरत जितना जी जाए पैसा कमा ले, उसको आला मकाम उसकी इताअत गुजारी की वजह से मिलता है, उसके पैसे की वजह से नहीं मिलता। उसका पैसा अगर थोड़ी देर के लिए माहौल को थोड़ा सा लाइट कर देता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुस्तकिल तौर पर लोग उसकी दिल से इज्जत करने लग जाए। दिली इज्जत और एहतराम के लिए अल्लाह पाक ने जो हुक्म दिया है वही दिल जीतने का सबब बनता है, इताअत गुजारी। अल्लाह ताला सारी ख्वातीन को तौफीक दे कि वो इताअत गुजार हो जाएं।